एक लड़का रिक्शा चलाकर उससे जितने पैसे मिल जाते उतने में अपना घर चलाता है, लेकिन एक लड़की आती है और लड़के से कहीं जाने के बारे में कहती है, लेकिन सिर्फ एक सवारी होने की वजह से लड़का उसे मना कर देता है क्योंकि लड़के का घाटा हो जाता। तब लड़की को गुस्सा आता है और वह बिना कोई वजह लड़के को थप्पड़ मारती है और वहाँ तमाशा हो जाता है। तभी एक लड़का वहाँ इनका झगड़ा सॉल्व करने आता है और लड़की बताती है कि यह रिक्शा वाला मुझे छेड़ रहा था। तब लड़का इसे धमका कर चला जाता है, लेकिन अगले दिन वही लड़की पुलिस में उसकी कंप्लेन करती है। तब वह पुलिस को झूठ बताती है कि लड़के ने उसे छेड़ा और लड़का पुलिस को सब कुछ सच बताने पर भी पुलिस उसकी कुछ भी नहीं सुनता और लड़के को 500 रुपए रिश्वत मांगकर मामला खत्म कर देता है। तब लड़का बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उतने पैसे उसकी एक दिन की भी कमाई नहीं होती और घर आकर लड़का खाना भी नहीं खाता। अब तीसरे दिन लड़की कहीं घूमने जा रही होती है, तब एक लड़का उसे छेड़ता है और वही रिक्शा वाला लड़की को बचाने आता है। तब लड़की को अपने आप पर शर्म आती है और वह रिक्शा वाले से माफी मांगती है।